तो हाय दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा नया YouTube चैनल मॉडर्न रिव्यू में। एक्चुअली ये चैनल का पहले मैंने नाम दिया था जो, उस नाम से ऑलरेडी एक YouTube चैनल है। मैंने कल ही इसको ओपनिंग किया था, परसों ओपनिंग किया था, तो मुझे कल मालूम चला कि इस नाम से ऑलरेडी दूसरा अकाउंट है। तो इसी के कारण मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया आज, और आज मैंने नया नाम रखा है उसका मॉडर्न रिव्यू। तो ठीक है, अभी सभी को मैं स्वागत करता हूँ अपना नया चैनल में मॉडर्न रिव्यू। अच्छा, तो आज दोस्तों मैं आपसे सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ इम्पल्स का i95 एयर मैक्स। ठीक है, तो ये जो मैक्स है मैंने 5 पीस का ऑर्डर किया, तो चलिए देखते हैं कैसा है, क्या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्या ये कोई परचेज कर सकता है, इसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये पैकेट को रखते हैं साइड में। ये देखिए, ये दो पैकेट में आया है, और यहाँ पे नाम देखिए इसका, देखिए पा रहे इम्पल्स i95 एयर मैक्स। इसका जो पहला प्लस पॉइंट है, इसको आप वॉश कर सकते हैं और रीयूजेबल है, ठीक है ना। और जो दूसरा है, इसको जब आप यूज़ करते हैं तो ब्रीथिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं इशू होता है, ब्रीथिंग का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले भी परचेस किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक कलर में मैंने पहले, बहुत दिन हो गया, 100 समथिंग था, तो ये मैंने पहले भी यूज़ किया था, तो मुझे कंफर्ट लगा, इसीलिए मैंने ये दोबारा ऑर्डर किया और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रीथिंग का जो ये फिल्टर दिया हुआ है, दो फिल्टर आप देख पा रहे हैं, दो फिल्टर दिया हुआ है, ब्रीथिंग का कोई इशू नहीं होता है इसमें। आराम से बाइक चला रहे हैं या कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कुछ भी करने से ये मतलब वो नहीं होता है कि आप जॉगिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तब इसको पहन सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वर्क कुछ भी कर रहे हैं आप, जो ऑफिस में जा रहे हैं या अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, या स्टूडेंट है, ठीक है ना, तब आप इसको आराम से पहन सकते हैं। या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और ये वॉशेबल है, ठीक है। तो ये जब मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैंने ये दोबारा ऑर्डर किया, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये लोग मुझे कलर दूसरा दे दिया। ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया था, इन्होंने दूसरा कलर दे दिया। ये देखिए, 3 पीस और ये 2 पीस, 5 पीस का मैंने ऑर्डर किया, 5 पीस का ऑर्डर किया 175 में, ठीक है, 5 पीस का ऑर्डर किया 175। तो इसमें यही प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसका यही मुझे कंफर्ट देखता है कि यहाँ पे 2 फिल्टर दिया हुआ है, और ब्रीथिंग का कोई इशू नहीं होता है, और इसको आप आराम से वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हैंड वॉश है, देखिए मैंने यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा है जहाँ पे मास्क को वॉश करने के लिए बहुत सारे तरीके दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना सुझाव है मैं बोल रहा हूँ, उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको क्यों। जब आप किसी भी वॉशेबल मास्क को वॉश करते हैं ना, तो अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर लीजिए, पाउडर मत लीजिए, डिटर्जेंट लिक्विड लीजिए, पाउडर मत लीजिए, क्योंकि पाउडर में कुछ छोटे छोटे कने होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, फिल्टर में जाके अटक जाएगा, ये फिल्टर में ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी आप मास्क को वॉश करें, तो ये ध्यान में रखिए कि लिक्विड है, कोई पाउडर ना ले। जब एक पानी में लेंगे, पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट देंगे, मास्क को क्या करेंगे, उसमें भिगो देंगे, पूरा डिप कर देंगे, 2 मिनट बाद, ज़रा नहीं 2 मिनट बाद आप उसको निकालेंगे और अपना फिंगर्स से ऐसा करेंगे। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसा कीजिएगा, ठीक है ना, रब मत कीजिए,
ऐसा 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 रब मत कीजिए, ठीक है, फिंगर से स्टे, धीरे से, प्यार से, है ना, ऐसा ऐसा कीजिए, है ना। मैंने देखा है किसी यूट्यूब में कि इसको ऐसा पकड़ के ऐसे ऐसे रब करने के लिए बोल रहा है, तो वो रब करने से क्या प्रॉब्लम होता है, सुनिए, इसका अंदर में जो फिल्टर है, ठीक है ना, जो मटेरियल्स दिया हुआ है वो ख़राब हो जाता है, वो बहुत एक बार रैप करने से ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद ये आपका मास्क उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, तो उसी के चलते आपको इसे फिंगर से ऐसा ऐसा करना होगा, क्योंकि इसमें तो उतना कचरा तो लगेगा नहीं, ठीक है ना, या तो उतना डायरेक्टली होगा भी नहीं, हाँ, इसको बस ऐसा करना है प्यार से, है ना, ऐसा करने के बाद उसको फ्रेश पानी में पूरा डिप कर दीजिए, जब डीप हो जाएगा उसको ऐसे हथेली में लेके ऐसे 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 करके, या देखिए नीचे से पानी निकलेगा, ऐसा करके बस फिर उसको पलट दीजिए, फिर देखिए कैसे बने रखा है, ऐसा ऐसा कीजिए, और उसके बाद इसको छाँव में, धूप में मत दीजिए, छाँव में इसको टांग दीजिए। लेकिन टांगने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको इलास्टिक से ऐसे टांग देंगे, ऐसा मत कीजिए, करने से क्या होगा, ये इलास्टिक जो है ये लूज हो जाएगा आपका, वैसा मत कीजिए, किसी भी क्लिप के सहारे इसको ऐसा लॉक कर दीजिए, ठीक है ना, तो पानी अपने आप निकल जाएगा, बस ये याद रखिए, कोई पाउडर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पाउडर यूज़ करने से क्या होगा, ये जो फिल्टर है यहाँ में ये पाउडर ब्लॉक हो जाता है, आप देखिएगा किसी भी कंपनी का पाउडर पानी में घोलेंगे नीचे कुछ रह जाता है और टोटली मिक्स नहीं होता है, तो वही पाउडर जो है इसमें अटक जाएगा, ठीक है ना, और आप समझ पा रहे हैं ये ब्रीथिंग के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमेशा लिक्विड यूज़ कीजिएगा, जब भी आप किसी भी वॉशेबल मास्क को वॉश करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि आपका पाउडर नहीं होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, किसी भी डिटर्जेंट, जितना अच्छा डिटर्जेंट आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा जर्नी का शुरुआत है, नया है, अभी अभी मैंने शुरू किया है, हाँ, लेकिन अब ये बात ध्यान में रखिए, मैं जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा वो मैं खुद यूज़ करने के बाद, ऐसा नहीं मैंने किसी YouTube में देख लिया और प्रोडक्ट परचेस कर लिया उसके बाद मैं भी शुरू हो गया रिव्यू देने के लिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं यूज़ करने के बाद ही रिव्यू दूँगा। इसका कारण मैंने मेरा सेकेंड वीडियो में भी बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ परचेस करने से पहले YouTube में जाके उसका रिव्यू देखता हूँ, उसका क्वालिटी क्या है, मतलब प्रोडक्ट कैसा है वो मैं देखता हूँ। तो मेरे तरह और भी कस्टमर होंगे जो कुछ ख़रीदने से पहले YouTube में जाके उसका रिव्यू देखेंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट है, मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं खुद यूज़ करने के बाद ये कैसा है, ये यूजेबल है या नहीं, ये पैसा वसूल है या नहीं, या पैसा हमारा वेस्ट हो जाएगा, वही सब ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो शेयर करूँगा। यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा आने वाला जितना भी वीडियो होगा, ठीक है, मैं फेस मास्क जो है, ट्रिमर है, सबका रिव्यू मैं दूंगा, सब मेरे पास है, मैं खरीद के यूज़ किया हूँ, ठीक है, इतना विश्वास रख सकता है मेरे ऊपर कि मैं जो भी रिव्यू दूंगा वो 100% राइट होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू, बाय दोस्तों।